शेख, मेरा सवाल बहुत अहम है कि बेटे को बालिग होने के बाद हम जो पैसा खर्च करते हैं उसको पढ़ाने में, जैसे मेरा बेटा है उसको डिप्लोमा कराना है, फिर उसको शादी भी करनी पड़ेगी, फिर उसको घर भी देना पड़ेगा, तो हम ये नियत अगर कर लें कि पैसा हम जब मेरा बेटा कमाएगा तो उसे वापस हम ले लेंगे, तो ये पैसा जो भी खर्च करते हैं तो कमाने जब बेटा कमाने लगता है तो उस पैसा हम वापस ले लेते हैं, तो ये जायज है या नाजायज है? देखिए, जब आपका बेटा बालिग हो गया तो असल तो ये है कि अपना खर्चा अब वो खुद उठाएगा, लेकिन बालिग होने के बाद जरूरी नहीं है कि आपका बेटा मालदार हो, हो सकता है वो फकीर हो। अगर वो बेटा फकीर है तो कमाने की कोशिश करेगा, अपना हाथ पांव मारेगा। अगर वो कमाने की कोशिश कर रहा है और कमा ले जा रहा है तो उसके ऊपर खर्च करना ये वाजिब नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर वो कोशिश के बावजूद भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, जरूरतों से मुराद यहाँ बेसिक जरूरत है, जरूरतों से मुराद यहाँ आला तालीम नहीं है, आला तालीम इंसान की जरूरत नहीं है, जरूरत से मुराद खाना पीना और जिंदगी की जो बुनियादी जरूरतें हैं, अगर उसको वो पूरी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी सूरत में वो फकीर कहलाएगा। और अगर बेटा फकीर है तो उसका नानो नफका, उसका बुनियादी खर्चा ये बाप के ऊपर वाजिब है। तो यहाँ पर आप ये नियत नहीं कर सकते, अगर फकीर बेटे पर खर्च कर रहे हैं तो ये नियत नहीं कर सकते कि मैं बाद में इसको वापस लूंगा, क्योंकि वो तो आपके ऊपर वाजिब है। अब जब आपने वाजिब खर्च किया है तो उसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप जो बुनियादी नानो नफका है उसके ऊपर, जैसे आपने बताया आला तालीम, आला तालीम के लिए बेटे को पैसा दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप बेटे से ये इत्तेफाक कर सकते हैं कि ये जो मैं आपको आला तालीम के लिए पैसा दे रहा हूं, मैं बाद में इसको वापस लूंगा, क्योंकि मैं बतौर कर्ज दे रहा हूं, क्योंकि आला तालीम दिलाना मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, सिर्फ आपका खर्चा मेरे ऊपर फर्ज है आपके फकीर होने की सूरत में। तो फकत नियत कर लेना काफी नहीं है, आप जिसको कर्ज दे रहे हो उसका जानना भी जरूरी है। आप सिर्फ अगर अपने दिल में नियत करते हो तो हो सकता है बेटा आपका समझे कि मेरा बाप मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, मुझे कर्ज नहीं दे रहा है बल्कि मुझे मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, मुझे ऐसे ही हदिया दे रहा है। लिहाजा अगर बुनियादी नामो नफका से ऊपर अपने बेटे को आप कुछ दे रहे हो और चाहते हो कि मैं इसे बाद में मुझे वापस चाहिए, तो जरूरी है कि आप उसको इत्तला दो और उसके साथ इत्तेफाक करो। हो सकता है, मुमकिन है आपका बेटा ना लेना चाहे, तो लिहाजा फकत नियत करना ये काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ इत्तेफाक करना ये जरूरी है। चाहे हम उसको घर भी दें शादी के बाद या शादी में जो भी खर्च हो उसे मैंने इत्तेफाक करना जरूरी है। देखिए, मैंने इसीलिए पहले बता दिया कि एक होता है इंसान की बुनियादी जरूरत। अब जैसे बेटे का शादी करना ये उसकी बुनियादी जरूरत है, अगर बेटा इतना फकीर है कि अपनी शादी का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता है, लाख कोशिश के बावजूद भी वो इतना नहीं कमा पा रहा है, तो वो बेटा फकीर माना जाएगा, फिर उसकी शादी का खर्चा बाप बर्दाश्त करेगा। लेकिन शादी का कितना खर्चा? शादी का उतना खर्चा जो शरीयत में है। अब बेटा अगर अपनी शादी में इसराफ करना चाह रहा है जैसा कि हमारे यहाँ होता है, तो वो बाप के ऊपर वाजिब नहीं है। शादी का खर्चा है जैसे जो है महर देना, वलीमा करना, कुछ लोगों को खाना खिलाना, ये शादी का बुनियादी खर्चा है, तो ये खर्चा बाप उठाएगा। अब बेटे के पास घर भी नहीं है, वो सड़क पे है, अब बेटे को एक ऐसा मुतवाजे सा घर देना जिसमें वो रह सके, ये भी बाप के ऊपर वाजिब है अगर बेटा फकीर है तो। बाकी बेटे के लिए बड़ा सा नया सा बड़ा सा घर बनाना ये बेटे बाप के ऊपर वाजिब नहीं है। या बेटा अपनी शादी के अंदर लंबा चौड़ा खर्चा करना चाहता है, जश्न मनाना चाहता है, ये खर्चा बाप के ऊपर वाजिब नहीं है। जैसे तालीम है, अब तालीम में जैसे आपने कहा कि भाई आला तालीम ये जो है नानो नफका में नहीं है और वाजिब नहीं है ये, तो अगर कोई बाप अपने बच्चे को एक बच्चे को आला तालीम दिलाता है तो जरूरी है दूसरे बच्चों को भी आला तालीम दिलाए? हाँ, ये अलग मसला है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। अब जैसा कि हदिया और हेबा के बाब में हम जानते हैं कि अगर कोई बाप अपने बेटे को या अपने बच्चों में से किसी को
उसके बुनियादी नानो नफका से ऊपर कुछ दे रहा है तो इसे हिबा कहा जाता है, हदिया कहा जाता है। अब जैसे आला तालीम उसका बुनियादी नानो नफका नहीं है, अब अगर एक बेटे को आला तालीम दिलवा रहा है तो दूसरे बेटे को या दूसरे बच्चों को भी वो आला तालीम दिलवाए, या तो जो उस पर खर्च आ रहा है वो उनको दे। या जैसे एक बच्चे की शादी कर रहा है, शादी का एक तो बुनियादी खर्चा होता है, बुनियादी खर्चा तक तो ठीक है, बुनियादी खर्चे के अंदर जो है मुसावात नहीं है जी। मान लीजिए एक बच्चे की शादी सन 2000 में किया था, 2000 में थोड़ा सस्ताई का जमाना था, 1 लाख रुपए में शादी हो गई थी जी। अब एक की शादी 2024 में कर रहा है, 1 लाख में शादी नहीं होगी, हो सकता है 2-2.5 लाख लग जाए, तो यहाँ पर बराबरी जरूरी नहीं है क्योंकि ये बुनियादी नानो नफका है। लेकिन बुनियादी नानो नफका से ऊपर जो खर्चा कर रहा है उसमें अदल जरूरी है, मुसावात जरूरी है। जैसे एक बच्चे की शादी करते वक्त बड़ा सा जश्न मना रहा है, लंबा चौड़ा जो है लंबी चौड़ी पार्टी दे रहा है, बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, उसकी बीवी को बहुत ज्यादा जो है जेवरात दे रहा है हदिया में, अब जरूरी है कि दूसरे बच्चों को भी उतना ही दे। जी जी, तो तालीम में भी यही मामला है शेख। बिल्कुल, तालीम देखिए, तालीम का वो हिस्सा जो इंसान की बुनियादी जरूरत है वो तो नानो नफका में आ जाएगा, ठीक है, उसमें बराबरी जरूरी नहीं है। लेकिन तालीम का वो हिस्सा जो वाजिबात में नहीं आता है, नानो नफका में नहीं आता है, वो हिबा और हदिया में शुमार होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपका एक बच्चा है, एक बेटा है, एक बेटी है, आप बेटी को किसी निसवा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पता चला कि वहां पे जो है खर्चा कम है, बेटे को किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां पे फीस वहां निसवा स्कूल से ज्यादा है, तो यहाँ पे बराबरी नहीं है जब तक वो लोग बुनियादी तालीम ले रहे हैं तब तक। अब जब उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पे जरूरी है कि अगर एक पर ज्यादा खर्च कर रहे हो तो दूसरे को भी दो। एक सवाल शेख कमेंट में पिछले सवाल से मुतालिक है इसलिए मैं ले रहा हूँ, वरना स्ट्रीम में बहुत सारे लोग ऐड हैं। इन्होंने कहा है शेख कि आमतौर पर हमारे यहाँ होता ये है कि लड़कों को आला तालीम दिलाई जाती है और लड़कियों को आमतौर से आला तालीम नहीं दिलाई जाती है, तो उसमें लड़कियों के साथ कैसे इंसाफ किया जाए इस मामले में, अगर कोई लड़कों को सिर्फ दिला रहा आला तालीम तो? इंसाफ का तरीका यही है कि वो जितनी रकम आप उस लड़के की तालीम पर लगा रहे हैं उतनी रकम आप उस बच्ची को दें, आसान तरीका है उसका।